पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिलबुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिलबुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। भारत में कोरोना की दो वैक्सीन को आपात प्रयोग की इजाजत मिलते ही दुनिया के कई दूसरे देशों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भारत वैक्सीन की 20 लाख डोज ब्राजील को जल्द से जल्द सप्लाई करे। बोल्सोनारो के पत्र को उनके प्रेस ऑफिस ने जारी किया है। बोल्सोनारो का पत्र ऐसे समय में जारी किया गया जब ब्राजील पर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ब्राजील के आस पड़ोस में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है और अब ये देश ब्राजील पर सवाल उठा रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत सरकार को पत्र लिखकर कहा कि हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम को जल्द शुरू करने के लिए मैं चाहूंगा कि कोविड वैक्सीन की 20 लाख खुराकें भारतीय वैक्सीनेशन अभियान को नुकसान पहुंचाए बिना जल्द भेजी जाए। बता दें, राष्ट्रपति बोल्सोनारो का ये पत्र पीएम मोदी को तब आया जब ब्राजील की सरकारी संस्था फियोक्रुज बायोमेडिकल सेंटर को एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी प्रोडक्ट की आपूर्ति होने में देरी होने वाली है। इस सेंटर को शनिवार तक प्रोडक्ट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये सप्लाई इस महीने के अंत तक होगी। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। इस तारीफ के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति ने रामायण का हवाला दिया था। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के प्रयासों की तुलना भगवान हनुमान से की थी। बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी में कहा था कि जिस तरह भगवान हनुमान ने भगवान राम के भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हिमालय से पवित्र दवा लेकर आए थे और कोरोना रोकने को लेकर, वैसा ही प्रयास पीएम मोदी का है। भारत और ब्राजील एक साथ मिलकर इस वैश्विक संकट से उबर जाएंगे। ब्राजीली राष्ट्रपति ने अपनी चिट्ठी में यह भी कहा था कि उनके देश में दो लैब हैं जो कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन उनकी सप्लाई पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। ऐसे में भारत से लगातार मदद की उम्मीद है। बता दें, ब्राजील कोरोना से दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2,01,542 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस बीमारी की चपेट में 80,15,920 लोग आ चुके हैं। तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी, वो खत्म हो गया। मोदी सरकार ने बता दिया कि देश में कोरोना का टीका कब लगेगा। कोरोना पर प्रहार के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। फिलहाल भारत कभी भी दूसरे देशों की मदद से पीछे नहीं हटा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो मुसीबत के वक्त दुश्मन की भी मदद करने की सीख दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।